हेलो नमस्कार बच्चों, मैं अमृत चोपड़ा फ्रॉम सूरज स्कूल। आज हम चैप्टर पढ़ेंगे फिजिकल का, क्लास प्लस वन, खेलों में प्रशिक्षण यानी ट्रेनिंग इन स्पोर्ट्स। सबसे पहले तो इस क्वेश्चन में यही उठ कर आता है, ट्रेनिंग क्या है भैया? ट्रेनिंग यानी ट्रेनिंग वास्तव में अगर देखा जाए ना तो ये प्रशिक्षण कोई नया शब्द नहीं है। हम प्राचीन ग्रंथों में अगर देखते हैं वहाँ पर भी हमें देखने को मिलता है कि वहां पर भी प्रशिक्षण शब्द का प्रयोग किया गया है। जैसे कि एक उदाहरण ले लो आप, महाभारत काल में जैसे गुरु द्रोण अर्जुन कौरवों और पांडवों को जिस प्रकार प्रशिक्षण दिया करते, वही प्रशिक्षण का अर्थ यही है। यानी किसी कार्य की प्रक्रिया से है, हम कोई भी कार्य करते हैं उसके लिए हमें कोचिंग की आवश्यकता पड़ती है। वास्तव में तैयारी एक कठिन प्रक्रिया है, यह खिलाड़ी की प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती है। ये बहुत ही कठिन प्रक्रिया है, जो खेल प्रतियोगिताएं हो गई, संतुलित आहार हो गए, असंतुलित आहार आदि में शामिल होते हैं। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो अनेक व्यायामों सहित एक सुव्यवस्थित एवं भोजन योजनापूर्ण तैयारी है। इसमें खिलाड़ी को खेल के अकॉर्डिंग कोचिंग करवाई जाती है। अब इसमें पहला कोचिंग में आता है स्ट्रेंथ के, आपने देखो ये दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहले तो देखो स्ट्रेंथ है क्या, किसी भी प्रकार के प्रतिरोध का सामना करने की मांसपेशियों की जो योग्यता होती है वो स्ट्रेंथ कहलाती है, यानी शक्ति कहलाती है। शक्ति के प्रकार है गतिशील शक्ति, अधिकतम शक्ति। फिर गतिशील शक्ति के तीन प्रकार है, अधिकतम शक्ति, विस्फोटक शक्ति एंड स्थिर शक्ति। स्टॉप। हाँ बेटा, हम आगे चलते हैं। आगे अधिकतम शक्ति। अधिकतम शक्ति क्या होती है कि अधिकतम अवरोध के विरुद्ध कार्य करने की जो क्षमता होती है, जो योग्यता होती है अधिकतम अवरोध के विरुद्ध। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है अधिकतम शक्ति, यानी अधिकतम अवरोध के विरुद्ध कार्य करने की योग्यता, ठीक है। विस्फोटक शक्ति अवरोध के विरुद्ध तेजी से कार्य करने की योग्यता। जैसे कि हम इसमें शॉर्टपुट का उदाहरण दे सकते हैं। शॉर्टपुट में हमें विस्फोटक शक्ति का यूज करना पड़ता है, यानी विस्फोट की तरह हमें शक्ति का प्रयोग करना पड़ता है। और सहन क्षमता बेटा अवरोध के विरुद्ध थकावट की स्थिति में भी कार्य करने की जो योग्यता होती है वो सहन क्षमता यानी एंडुरेंस कहलाती है। यानी जैसे कि 800 मीटर की रेस में आपने देखा होगा कि जब लास्ट 200 मीटर रह जाते हैं तो थकावट की स्थिति में कई बच्चे ट्रैक छोड़कर चले जाते हैं, लेकिन कई बच्चे उस थकावट की स्थिति में भी अपनी स्पीड को मेंटेन करते हुए रेस को पूरी करते हैं और विनर होते हैं। ये है। अब शक्ति की जो स्ट्रेंथ है उसको ग्रोथ करने के लिए निम्नलिखित विधियां हैं। एक तो है बेटा आइसोमेट्रिक व्यायाम, दूसरा है आइसोकाइनेटिक व्यायाम और तीसरा है आइसोटोनिक व्यायाम। ये तीन व्यायाम हैं जिनके माध्यम से हम अपने शक्ति में वृद्धि कर सकते हैं। आइसोमेट्रिक व्यायाम पर आते हैं। इस व्यायाम में करने से हमारी जो मांसपेशियां हैं उसकी लंबाई ना घटते हुए ना बढ़ते हुए हमें दिखाई नहीं देती है। जैसे कि मैं दीवार को ये पुश कर रहा हूँ, ये पुश करना, दीवार को पुश करना, मेरी मांसपेशियों में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है लेकिन मेरे शरीर से पूरी शक्ति लगाई जा रही है, ठीक है। इस प्रकार का एक अच्छा उदाहरण है ये, दीवार को पुश करना, भार उठाकर खड़े रहना, कोई भी भार उठाकर खड़े रहना, इस प्रकार के उदाहरण। आइसोटोनिक व्यायाम ये शक्ति के विकास में एक महत्वपूर्ण व्यायाम है। आइसोमेट्रिक अगला है आइसोटोनिक व्यायाम, ये ऐसे व्यायाम होते हैं जिन्हें करते समय हमारे शरीर की मांसपेशियां स्पष्ट रूप से लंबाई घटते हुए व बढ़ते हुए दिखाई देती है, ठीक है। ये व्यायाम उपकरण के साथ और बिना उपकरण के भी किए जा सकते हैं, जैसे रनिंग करना। हम रनिंग करते हैं, हमारी मांसपेशियां घटते हुए, मांसपेशियों की लंबाइयां घटते हुए और बढ़ते हुए दिखाई देती है। और वेट लिफ्टिंग करते हैं तो हमारी जो हाथों की मसल्स हैं, जो मांसपेशियां है, वो घटते हुए और बढ़ते हुए साफ दिखाई देती है। इस प्रकार के जो व्यायाम होते हैं वो आइसोटोनिक व्यायाम होते हैं। ये भी शक्ति के विकास के लिए एक महत्वपूर्ण व्यायाम है।
अगला है बेटा आइसोकाइनेटिक व्यायाम। ये वे व्यायाम होते हैं जो मशीनों के द्वारा किए जाते हैं। ये व्यायाम यानी जिम में किए जाते हैं, जिम में और शक्ति की बढ़ोतरी के लिए ये सबसे अच्छा व्यायाम है। इसमें सबसे ज्यादा शक्ति का विकास होता है।